जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोमैक्स के ब्रांड की। एक इंडियन ब्रांड है, आप सभी को पता है, और आप सभी में से बहुत से लोगों ने चाइनीज़ स्मार्टफोन के पहले यहाँ पे माइक्रोमैक्स के ब्रांड को कभी ना कभी ख़रीदा होगा, और मैंने भी ख़रीदा है। और माइक्रोमैक्स का एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन था, माइक्रोमैक्स कैनवास HD। वो मैंने बहुत 1 से 2 साल तक यूज़ किया। बहुत अच्छा स्मार्टफोन था, मुझे बहुत पसंद था। तो आप में से जो जो लोगों ने स्मार्टफोन यूज़ किए माइक्रोमैक्स के या फिर स्पेशली कैनवास HD, तो मुझे जरूर से कमेंट में बताइएगा। अब यहाँ पर जो कंपनी इंडिया में बहुत जल्द आने वाली है, इसने अपने ट्विटर हैंडल या फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल से बताया कि हम बहुत जल्दी इंडिया में कमबैक करने वाले, हमारे 3 नए स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। अच्छी बात है, अच्छा कमबैक करेंगे तो यहाँ पर इनका वेलकम है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम यहाँ पर चाइनीज़ स्मार्टफोन हो, उनकी TV हो, उनके जो भी प्रोडक्ट हो, उनको हम बहिष्कार करें, उसका बायकॉट करें, कम से कम उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग कर पाए। हमारा जो पैसा है वो इंडिया में जाए, इंडिया में ही रहे और हमारे इंडिया का ही विकास हो, ना कि हम उनके प्रोडक्ट को खरीद करके उनकी इकोनॉमी को स्ट्रांग करें। सही बात है या गलत है, इससे अगर आप एग्री हो तो बिल्कुल आपको भी सोचना चाहिए कि आपको क्या खरीदना है क्या नहीं। अब ये आपकी सोच है, मैं और कोई और बंदा आपको यहाँ पे प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आपको इंडिया के फ़ोन खरीदना है या फिर चाइनीज़ खरीदना है या फिर असूस के या फिर सैमसंग के, जो भी कुछ खरीदना है यह आपकी सोच है, ओके। अगर बात करूँ तो हम अगर थोड़े बहुत भी देश प्रेमी बन जाए, कि हम अगर थोड़ा बहुत सोचने लग जाए कि क्या सही है क्या गलत, तो मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पे मैंने ऐसे देखे कुछ वीडियोस कि बहुत लोग अपने जो चाइनीज़ स्मार्टफोन है या फिर TV, उनको फेंक रहे, उनको तोड़ रहे, फोड़ रहे, उनको बर्बाद कर रहे। भाई क्यों, पैसा आपका था, आपने तब क्यों नहीं सोचा कि हम चाइनीज़ TV खरीद रहे या फिर ब्रांड खरीद रहे या फिर गैजेट्स हो या फिर कैमरा हो या TV हो, कुछ भी हो। अब आपका पैसा जा चुका है, वो चाइना में जा चुका है, आपका मेहनत का पैसा था, उसको तोड़ करके क्या फ़ायदा होने वाला है, उसको यूज़ कीजिए। आपने ले लिया है तभी आपने सोचना चाहिए था। अब यहाँ से आगे से आपकी जो टेंडेंसी है, आपकी जो विचार है, उसको चेंज कीजिए। और अगर आपको लगता है तो आपको यहाँ पे नॉन चाइनीज ब्रांड खरीदने चाहिए, अगर आपको नहीं लगता है तो फिर आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ से आपको एक आगे शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हमारे लिए भी और हमारे देश के लिए भी एक अच्छा हो सके। क्योंकि ये वही चाइना है जो कि उनके चाइना के अंदर फेसबुक हो या फिर उसके बाद में व्हाट्सअप हो या फिर ये जो तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये भी एंटर नहीं करने था। जैसे कि अगर ये व्हाट्सअप की बात करें या फिर फेसबुक की बात करें या फिर यूट्यूब की बात करें, तो ये खुद के इन्होंने टेक्नोलॉजी चोरी करके खुद के यूट्यूब, खुद के व्हाट्सअप, खुद के फेसबुक बना लिए है। ये WeChat यूज़ करते हैं, खुद का अलग से इनका यूट्यूब है, खुद का अलग से इनका फेसबुक का अलग वर्जन है, ये अलग से कुछ करते रहते हैं। ये जो है वो अपने देश से लेके बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और ये वही चाइनीज़ है जो कि अपने ऐप्स को जो बाहर देशों में लॉन्च करते हैं और हम इनके ऊपर ठुमके लगाते हैं, इनके फ़ोन भी हम परचेस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में ठीक है, बहुत से ऑप्शन नहीं है कि हमें यहाँ पे मजबूरी में यहाँ पे इनके फ़ोन परचेस करने पड़ते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट और इतनी एडवांस नहीं है हमारे इंडिया के अंदर कि स्मार्टफोन कम प्राइस में हमें प्रोवाइड कर पाए। और जो कंपनीज थी जैसे माइक्रोमैक्स जैसी, उसने एक वक्त पे हमारा बस फ़ायदा ही उठाया है। माइक्रोमैक्स की अगर बात करो तो पिछले कुछ सालों पहले की अगर बात करें तो माइक्रोमैक्स एक वक्त पे टॉप पे था। उस वक्त पे सैमसंग भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन सैमसंग अपने ब्रांड के चलते पैसे ज़्यादा मांग रहा था, क्योंकि अभी भी ज़्यादा ही लेता है, उसकी क्वालिटी होती है। तो उस समय माइक्रोमैक्स के साथ में सैमसंग भी था, सैमसंग एक अलग लेवल पर था। सैमसंग ने ग्रैंड 2, क्वाट्रो, गैलेक्सी वाई सीरीज़, गैलेक्सी पॉप के ऐसे बहुत से स्मार्टफोन लॉन्च किए, उनमें से मैंने बहुत से स्मार्टफोन यूज़ किए सैमसंग के, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। मुझे लगता है कि वो फ़ोन अभी भी बहुत से लोगों के पास में होंगे। सैमसंग के बहुत से जो स्मार्टफोन हैं जो कि 5-5-6 साल तक लोग अभी भी यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी थी। लेकिन कंपेयर टू माइक्रोमैक्स, माइक्रोमैक्स ने क्या किया कि बस इंडियन लोगों का बस फ़ायदा उठाया कि कम प्राइस में स्मार्टफोन बेचो, लेकिन क्वालिटी नहीं थी। और उसने क्या किया कि चाइना में जाकर सीधे सीधे उनके ही बिल्कुल लो और थर्ड क्लास लोकल क्वालिटी के स्मार्टफोन को वहाँ पे उसके बना करके उसको लोगो दिया और इंडिया में बेचा और बहुत से पैसे कमाए। उसके चलते उसने उन पैसों के प्रॉफिट से ना ही उनके सर्विस सेंटर को स्ट्रॉन्ग किया, उनकी सर्विस बहुत ही बकवास थी, बहुत ही घटिया थी। उनके फ़ोन 1 साल में बिल्कुल ख़राब हो रहे थे, टच का प्रॉब्लम आ रहा था, बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो रही थी, बहुत जल्दी उनके फ़ोन हैंग हो रहे थे, ख़राब हो रहे थे। ऐसे में अगर आप 10,000-15,000 खर्च कर रहे हो तो आपका फ़ोन कम से कम 3 साल तो चलना ही चाहिए, कम से कम 1-1.5-2 साल तो उसको निकालना ही चाहिए। उसे 6 महीने में 1 साल में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में यहाँ पे उन प्रॉफिट के साथ में माइक्रोमैक्स ने ना ही कुछ नए इनोवेशन किए, ना ही उसने नए नए डिज़ाइंस बनाए मोबाइल के, ना ही उसने नए नए यहाँ पे जो है वो
मॉडल्स के ऊपर काम किया, ना ही उसने रिसर्च R&D के ऊपर काम किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी नहीं किया, ना ही उसने नए नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए, उसने आगे के प्लान के बारे में सोचा ही नहीं, उसने बस प्रॉफिट कमाने की सोची। और ऐसे में जब यहाँ पे लोगों को पता चला कि ये बिल्कुल घटिया सा ब्रांड है जिसके ऊपर हम पैसे खर्च कर रहे हैं, और यहाँ पे ये चाइनीज ब्रांड को लाकर यहाँ पे रीब्रांड कर रहा है, यानी उनके फ़ोन को लाकर रीब्रांड कर रहा है, तो फिर लोगों ने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद में कार्बन भी था, जोलो भी था, लावा भी था, बहुत से ब्रांड थे जो कि यही सब कर रहे थे। ऐसे में यहाँ पे इंडियन ब्रांड ने बिल्कुल यहाँ पे उस समय हम इंडियन को जो है वो चूतिया समझ के रखा था। अगर उस समय वो एक अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते तो आज उनकी लेवल बहुत हद तक अलग होती, और आज इंडिया के अंदर ना ही शाओमी, रेडमी, रियलमी और जो भी ओप्पो वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाती। अगर उस समय अगर कार्बन, लावा, माइक्रोमैक्स ये जो कंपनीज़ अगर एकदम स्ट्रांग तरीके से उभरती और बहुत हद तक यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को यहाँ पे बढ़ावा देती, उसके बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती, खुद की इनोवेशंस करती, खुद के यहाँ पे बहुत से मैन्युफैक्चर करती पार्ट को, इंडिया के अंदर बहुत कुछ यहाँ पे कर पाती, तो मुझे लगता है कि आज इन कंपनी को कोई बीट नहीं करता था इंडिया के अंदर, और यही कंपनी बाहर देश में अपने फ़ोन को एक्सपोर्ट भी कर सकती थी। लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हुई इनसे, और अभी यहाँ पे इनका ग्राफ बिल्कुल फ्लैट है और माइक्रोमैक्स का तो बिल्कुल ही ज़ीरो है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे सैमसंग जैसे ब्रांड की, तो अगर नॉन चाइनीज़ ब्रांड की अगर बात करें तो सैमसंग के ऊपर हमारा बहुत बड़ा ट्रस्ट है, उस समय भी था, अभी भी है। और यहाँ पे बात करें सैमसंग की, तो थोड़े महंगे स्मार्टफोन होते हैं लेकिन क्वालिटी भी आपको बेशक मिलती है। एप्पल की बात करें तो एप्पल और ज़्यादा महंगे होते हैं, अगर आप सक्षम हो तो एप्पल भी ले सकते हैं। साथ ही में असूस भी है जो कि ताइवान की कंपनी है, लेकिन बहुत कम स्मार्टफोन लॉन्च करती है, लेकिन उसके स्मार्टफोन भी आपको अच्छे ही मिलते हैं। LG की बात करें तो LG यहाँ पे बहुत कम स्मार्टफोन लॉन्च करता है, HTC तरह ना के बराबर करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन रहते ही कितने। ऐसे में अगर इंडियन कंपनी अगर फिर से एंटर कर जाती है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर बात करते हैं माइक्रोमैक्स की, तो माइक्रोमैक्स ने जो बात बताई है कि हम इंडिया में बहुत जल्द कमबैक करने वाले हैं, तो यहाँ पे इस बार माइक्रोमैक्स के सबक लेना चाहिए कि हमने जो किया, लोगों को जो चूतिया और पागल समझा, तो वो अभी नहीं समझना है। लोग बहुत होशियार हो चुके हैं, अब यहाँ पे हर एक बंदा यहाँ पे जो है वो सोच समझ करके मोबाइल स्मार्टफोन खरीदता है। अब उसका जो पैसा है ना, उसे वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए। अगर स्मार्टफोन की जगत में अगर माइक्रोमैक्स को अगर अभी आगे आना है, तो यहाँ पे माइक्रोमैक्स को एक बेटर क्वालिटी के स्मार्टफोन प्रोवाइड करना पड़ेंगे, वो भी अच्छे प्राइस पॉइंट पे, और उसे यहाँ पे रीब्रांड नहीं करना पड़ेगा। हाँ, स्टार्टिंग में अभी माइक्रोमैक्स का ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा प्लांट है, ना ही उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कोई कमांड है, ना ही उसने खुद की इनोवेशन रखी है, ना ही उसने खुद के कुछ नए प्लान बनाए हैं, ना खुद के उसके मोबाइल के डिज़ाइंस है। उसको बहुत हद तक यहाँ पे चाइना के ऊपर डिपेंड रहना पड़ सकता है, या फिर अगर वो चाहे तो वो सैमसंग से डिस्प्ले ले सकता है, या फिर किसी और कंपनी से भी हेल्प ले सकता है जो कि नॉन चाइनीज हो सकते हैं। अब देखते हैं कि वो करता क्या है। अब ऐसे में अगर बात करते हैं कि अगर स्टार्टिंग में अगर माइक्रोमैक्स को चाइना के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड रहना भी पड़े, तो वो एक अच्छी क्वालिटी के स्मार्टफोन हमें इंडिया में बना करके दे, ताकि बहुत हद तक यहाँ पे पैसा हमारा इंडिया में भी आए, थोड़ा बहुत चाइना में जा सकता है, क्योंकि चाइना से प्रोडक्ट आएंगे अगर माइक्रोमैक्स स्टार्टिंग में शुरुआत करता है तो। अगर उसी प्रॉफिट से माइक्रोमैक्स अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इंडिया में बनाता है, उसे एस्टैब्लिश करता है, ब्रांड को बहुत मजबूत बनाता है, खुद के R&D के ऊपर खर्च करता है, बहुत सारा इनोवेशन करता है, नए नए या फिर डिज़ाइंस लाता है, नए नए स्मार्टफोन को लॉन्च करता है, तो हो सकता है कि बहुत जल्द माइक्रोमैक्स इंडिया की एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी बन जाए, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे कार्बन हो, जोलो हो, लावा हो, ये भी आगे बढ़े, ये भी प्रेरित हो, और ये भी यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत अच्छा काम करे, और हमारी और इन कंपनी की डिपेंडेंसी बहुत जल्द चाइना के ऊपर से कम हो जाएगी, और इंडिया के अंदर ऐसे स्मार्टफोन बनने लग जाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अगर ये सच हुआ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इंडिया का पैसा इंडिया में रहे, और हम भी इंडिया के स्मार्टफोन हो, TV हो, प्रोडक्ट हो, लॉन्च कर पाए। क्यों नहीं इंडियन ब्रांड्स यहाँ पे इंडिया के स्मार्टफोन हो, या फिर TV हो, या फिर गैजेट्स हो, इंडिया में नहीं बना सकते। बहुत कुछ यहाँ पे टैलेंट है, बहुत कुछ यहाँ पे लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करने की एक कोशिश होनी चाहिए, एक कदम होना चाहिए। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी चाइना की अभी आ गई, लेकिन एक वक्त होता है जब यहाँ पे हर एक बंदे का वक्त होता है, उसके बाद में किसी और का होता है, तो अभी चाइना का वक्त चल रहा है, हो सकता है चल के हम भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए। तो माइक्रोमैक्स की अगर बात करें तो अभी स्टार्टिंग में 3 स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, उसके बाद में और भी स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। अब इससे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है इंडिया के अंदर, क्या आप भी इस माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन को खरीदना पसंद करेंगे, कैसे एक मौका देना चाहोगे, क्योंकि ये कंपनी ने एक बार हमें जो है वो अच्छे स्मार्टफोन प्रोवाइड कराए थे, लेकिन गलती सबसे होती है भाई, और ये गलती माइक्रोमैक्स ने की थी, लेकिन अब उस गलती की वजह से वो पछता भी रहा है। लेकिन अब अगर ये सुधर गया होगा, अगर यहाँ पे ये सुधरा होगा, इसने खुद से मेहनत की होगी, इसने अच्छे स्मार्टफोन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रखी होगी, उसे लगता होगा कि नहीं, सच में हमें इंडियन कंपनी के तौर पर आगे आना चाहिए, स्मार्टफोन कंपनी की इंडस्ट्री में आगे बढ़ना
मिलना चाहिए, क्योंकि एक वक्त पे ये नंबर वन पे थी। अगर ये मेहनत करता है, आगे बढ़ता है और बहुत ही अच्छे क्वालिटी वाले स्मार्टफोन अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल कराता है, तो मुझे लगता है कि इंडियन लोग इसे ख़रीदना पसंद करेंगे। और यहाँ पे जैसे ही आप अच्छे स्मार्टफोन प्रोवाइड कराते हो तो यहाँ पे माउथ पब्लिसिटी तो होती है, जैसे कि चाइनीज स्मार्टफोन की हुई है, तो इन्हें कोई भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जैसे कि शाओमी की कंपनी है, जैसे इन्होंने स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, इनके स्मार्टफोन अच्छे थे, ड्यूरेबल थे, क्वालिटी अच्छी थी, कम प्राइस में थे, तो लोगों ने इसे बाय हैंड खरीद लिया। वैसे अगर माइक्रोमैक्स भी करता है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी क्वालिटी अगर प्रोवाइड कराता है और बाद में भी उसे मेंटेन रखता है, तो लोग इसे एब्सोल्युटली खरीदेंगे ही। और यहाँ पे आपको क्या लगता है कि आप कैसे एक मौका देना चाहेंगे अगर यहाँ पे सच में इतने अच्छे स्मार्टफोन बना सकता है, इसके अंदर करीब 5 हो जाता है, आगे बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बहुत ही रिसर्च करता है, बहुत आगे बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि ये इंडिया की बहुत ही बेस्ट और अच्छी कंपनी बन सकती है स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर। और जो कंपनी जैसे कि लावा, कार्बन, जोलो, ये कंपनीज भी इससे प्रेरित होकर यहाँ पे फिर से एक बार यहाँ पे स्मार्टफोन कंपनीज के अंदर यहाँ पे इंडियन कंपनी का दबदबा बन सकता है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके क्या कमेंट्स है, आपके क्या सुझाव मुझे दोस्तों बताइएगा।